अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो यूट्यूब चैनल मलिक मुबशर ऑटो मैकेनिक। आज दी सारी वीडियो का टॉपिक यह है कि तुम दसे सू कारबेटर के बारे कि कारबेटर केरा अच्छा है केरा हल्का है। तो सारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर रखिन सो वीडियो को मुकम्मल एंड तक देख सो तो तुम्हारा शुक्रिया हो सी। कारबेटर की वजह यह है कि जरा नवे मॉडल का कारबेटर बनाए ने वो पेट्रोल की जी उन्हें ओवर का सिस्टम है ना वो बहुत ही नाकाम है नवे मॉडल के कारबेटर का। लेकिन ये जरा पुराने मॉडल का कारबेटर है ये बेस्ट है। ही वजह खातर जिस टाइम ये खत्म थी कारबेटर असा वाल नवे की बजाय पुराने ही वजह खातर असा पुराने मॉडल का कारबेटर इस्तेमाल करेंगे। इन उत्ते बिल्कुल जबरदस्त कारबेटर है। तुसा कई भी कंपनी का पा सकते हो, चाहे क्रॉन लिफान है, एक्सल है, कुछ भी हो गए। ये पेट्रोल की एवरेज खातर ही बेस्ट होंगे और पेट्रोल ओवर ही नहीं करें। गाड़ी भी जबरदस्त चलती है। तो सारा मशवरा यो है कि अगर कारबेटर जड़ा नहीं पाओ, कारबेटर हमेशा पुराने मॉडल का ही इस्तेमाल। तो बालू के बाद जरा ना तो असाई कुतुआ को चेक करवाने हैं इंदे तेल दी एवरेज सारा कुछ, क्योंकि उन्हें कंप्यूटर ही होने को छेड़न की सैटिंग की जरूरत नहीं होती। अगर तुम नवा कारबेटर गिन देवे तो नवे कुछ डब्बे के चाकड़े सिर्फ तुस गाड़ी के उ ला ही देने, बाकी उन्हें कोई ये छेड़खाड़ी वगैरह नहीं करनी कि भी इन्हें पेट्रोल घटिया वे या गाड़ी का कितनी उत्ते एवरेज होंगी है। ये पेट्रोल तो हवा की अपनी मिकदार होंगी है, 16 हिस्से इको हवा मिलनी चाहिए है, तो एक हिस्सा पेट्रोल मिलना चाहिए है, तब बनकर गाड़ी बिल्कुल यस थी है। तो गाड़ी पेट्रोल भी नहीं खी, मिसिंग भी नहीं करी और गाड़ी चलती भी बेस्ट है। तो वीडियो को तुसा मुकम्मल देखो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। इंशाल्लाह तुम्हारी तावन नाल इंदा खातर भी वीडियो जबरदस्त योजना बड़ा आंकड़े पठे सो। अल्लाह।